दोस्तों नमस्कार। क्या जब बच्चा छोटा होता है तो उसे भूत प्रेतों के बारे में इन सभी चीजों के बारे में पता होता है? तो मेरा तो एक ही कहना है कि बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं पता होता है उसे। जब वह इस दुनिया में आता है तो बिल्कुल अबोध आता है, लेकिन हम लोग ही उसमें ये संस्कार डालते हैं। यकीन नहीं होता तो देखिए, एक क्लास के बच्चों में मैंने ये सब टेस्ट करके देखा और जो भी रिजल्ट मेरे सामने आया, मैं आपके सामने एकदम बिल्कुल अनकट वीडियो के द्वारा सब कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। आप लोग भी देखिए और समझिए कि वाकई में कैसे बच्चों के जहन में ये सारी चीजें आती हैं, कौन डालता है इनके दिमाग में सारी चीजें, क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं, इसके बारे में बच्चों के जवाब खुद ही सुनिए। वैसे काफी हद तक मैंने प्रयास किया है तो बहुत सारे बच्चों में इन सब चीजों के प्रति अब उस तरह का जो है पूर्वाग्रह नहीं है। तो आप देख सकते हैं वीडियो आप सामने पेश है, पूरी तरह से अनकट वीडियो। अमावस की रात में पक्का चांद नहीं निकलता है ना? तो किसने बताया था तुमको भूत निकलता है? और मम्मी भी बताती है क्या? टीवी में भी देखते हैं ना? कौन से चैनल पे आता है? हैं? उस चैनल का कुछ नाम भी तो होगा भूत वाला, क्या नाम? नाम होता है लेकिन पता नहीं भूल गए। ये बताओ किस चैनल पे भूत वाले कार्यक्रम आते हैं? कौन, किसने बताया आपको? मोबाइल में। चाचू बताए? टीवी में भी आता है, ससुराल वाला आता है, ससुराल वाला आता है, कितने नंबर का है? कितने नंबर? अच्छा ये बताओ, देखा भी तुम लोगों ने असली में? देखा कि नहीं देखा भूत को? असली में एक दिन जाग रहे थे, तारे को देखा था। अच्छा देखा था तुमने, कैसा था? आँखें वगैरह दिख रही थी उसकी? हाथ पैर दिखे थे? हाथ पैर दिखे थे? फिर तुमने क्या किया? थोड़ी देर देखे आराम से, डायरी में नहीं तो उसने तुमको कुछ किया नहीं? क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। देखा है? तुमने सही में देखा कि नहीं पहले बताओ? कहाँ पर? पहले अपनी जगह बैठो, सब लोग बैठ जाओ। अच्छा आप ये बताओ, कौन ये मानता है कि भूत नहीं होते? नहीं नहीं क्यों, हाथ वो उठाएंगे जो मानते हैं भूत नहीं होते, बाकी लोग बैठ जाएं। जो लोग कहते हैं भूत भूत नहीं होते हैं वो लोग हाथ उठाएं। भूत नहीं होते वाले केवल, तुमने तो कहा था हमने देखा है, तुम्हारे हिसाब से होते हैं भूत? तुम्हारे हिसाब तुम भी कहते भूत हमने देखा है? हाँ देव प्रकाश ने कुछ नहीं कहा तो अभी वो कह सकते हैं होते नहीं होते के बीच में है वो। देव प्रकाश इस मामले में कहाँ पे है? आप लोगों ने देखा कहाँ पर है? टीवी पे देखा है। इसके बाद टीवी पे देखने के बाद जब सो गए तो सपने में भी वही चीज आई होगी, मेरी बात समझिएगा। जो चीज तुम देखोगे वो चीज तुम्हारे सपने में आएगी। अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में लगेगा, मेरी बात समझो,
तो सपने में भी तुम पढ़ाई करोगे, अच्छी चीज़ें सोचोगे तभी जब अच्छी चीज़ देखोगे। तो पहली बात एक चीज़ दिमाग से निकाल दो अपने कि तुमको टीवी में जो इस तरह डरावने सीरियल आते हैं भूत प्रेत वाले, वो नहीं देखना है। मम्मी चला देती हैं। एक मिनट सुमन, तुम्हारे यहाँ कौन चलाता है भूत वाला सीरियल? तो जब वो चलाए तो तुम वहां से चली जाएगा, क्योंकि तुम ही देखो, हमसे मतलब नहीं है। तुम्हारे यहाँ कौन चलाता है? हाँ, डरावने तो भूतिया वाले सीरियल चलाती हैं, तो वो चुप हो जाता है कि कार्टून चलाती हैं। अच्छा, कार्टून वाले भूतिया सीरियल। हे भगवान, मतलब अब कार्टून में भी भूतिया वाले आने लगे हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, ये लोग ज्यादा हैं जो कह रहे हैं कि भूत नहीं होते। दो चार दो छह आठ लोग हैं, और तुम लोग केवल तीन लोग जो चिल्ला रहे हो, क्या चीज होते हैं? भूत होते हैं। अगली बार जब भूत मिले तुम उसकी झुटैया काट लेना, ठीक है? रुको, देव प्रकाश कुछ कह रहे हैं, बताओ। जादू होता है लेकिन अच्छा सुनिए मेरी बात ध्यान से। पहली बात, अपने दिमाग से इस बात को पूरी तरह से निकाल दो कि भूत जैसी कोई चीज होती है। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये नहीं होती है। अच्छा, सभी लोग बैठ जाओ। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। देखो सभी बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनो। तुम लोगों का मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है ना? बन रहा होगा, पता नहीं कि नहीं बन रहा, हमको तो बन ही नहीं रहा। नहीं बन रहा है, ठीक है ना? वीडियो भी मैंने बनाया है। तो अधिकांश घरों में ये थोड़ी समस्याएं हैं, आपके माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई 8वीं पढ़ा, कोई 10वीं पढ़ा है। और दूसरी बात हम क्या कहें कि जो बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो तक भी जो है इस चीज़ से अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं, और ये मानते हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग भी, तो वो पढ़े लिखे नहीं कहेंगे, हम उनको पढ़ा लिखा कह ही नहीं सकते, उनको हम कहेंगे लिखे पढ़े लोग हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लिखे पढ़े हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ पढ़ लिया है, लिखा हुआ कहीं पढ़ लिया है, और उसी को उन्होंने मान लिया कि यही सही है। पढ़ा लिखा होने का मतलब जानते हो क्या है? पढ़ा लिखा होने का मतलब यह है कि तुम अपने से समझ अपनी बनाओ उस चीज़ के बारे में, कि वो चीज़ क्या हो सकती कि नहीं हो सकती है। आपके खुद की समझ में बात आनी चाहिए, आपके जहन में बात आनी चाहिए। मम्मी पापा आपको डरा कर चुप करा देते हैं, ये बोल करके कि भूत आ जाएगा, फलाना है, ढिमकाना है, रात न जा वहाँ भूत रहता है, इस तरह आपको डराते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये डर आपके अंदर जब बैठ जाएगा अंदर तक ना, तो जिंदगी भर तुम डरते रहोगे, पूरी जिंदगी ये डर निकलेगा नहीं। मेरी बात समझिएगा, आप जो है अकेले उठकर पेशाब करने नहीं निकल पाओगे घर से, लेटे रहोगे, रोने लगोगे, क्या पूछेंगे मम्मी, पूछेंगे क्या हुआ, क्या दिक्कत, क्यों मुझे पेशाब लगी, इसलिए तुम्हारी हिम्मत टूट गई। और हिम्मत तोड़ा किसने? मम्मी पापा दद्दा चाचा और बाबा ने तोड़ी है तुम्हारी हिम्मत। ये हाँ,
हाँ तो उन सबने ही तुमको डरा दिया है, उन्होंने तुम्हारे अंदर का जितना भी, तुम्हारे अंदर जितना भी जो है वो था, क्या चीज अच्छी चीजें थी उनको निकाल करके गंदी चीज तुम्हारे दिमाग में भर दी है। तो अब मेरे सामने, अब मेरे पास आए हो तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ ना, लेकिन मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बात समझिएगा। पुस्तकें बहुत सारी हैं, यंत्र मंत्र तंत्र तत्के तो अभी जो दुनियादारी फलाना सब कह किताबें आती हैं, जो इनको पढ़ेगा वो इसी तरह की चीज़ों पर विश्वास करेगा और गलत रास्ता पकड़ेगा। जब गलत रास्ता पकड़े तो उसको रास्ता आगे नहीं मिलेगा, भटक जाएगा फिर वो। तो इसलिए मेरी बात को मानिएगा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है, नहीं होती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, फिलहाल सीख भी जाएंगे। ये जो है देखिए होता क्या है ना, कि आपके घर में आपके माता पिता आपके जहन में इन चीज़ों को धीरे धीरे करके डालते रहते हैं, रोज़ रोज़ बताते 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 बताते, यहाँ वो हो गया, उस लड़की के देखो भूत आ गया था, उसने सर पटक रही थी, ये कर रही थी, फिर बाबा के पास गए, वहाँ उन्होंने ठूक डाल दिया, ठीक हो गई, ये है वो है, इस तरह की बातें जो तुम्हारे दिमाग में, सुनिए ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे दिमाग में हर समय घुसती रहती। जैसे तुम यहाँ स्कूल में आते हो तो हम क्या कहते हैं, कहाँ से कबूतर, आपको कहाँ से कबूतर सिखाते हैं, खा से खरगोश सिखाते हैं, गा से गमला सिखाते हैं, एप्पल सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं ना, और धीरे धीरे वो तुम्हारे दिमाग बैठ जाता है ना। फिर जब कहते हैं चलो पढ़ के दिखाओ तो तुम पढ़ के दिखा देते हो, कोई कहानी सुनाते हो वही तुमको याद हो जाती है और बार बार उसको सोचते रहते हो, इसलिए जब जब पूछते तब उस कहानी को बता देते हो। तो यही चीज़ यहाँ भी होती है, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे चचा, तुम्हारे दद्दा, तुम्हारे जितने भी लोग हैं, ये सब लोग रोज रोज कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में खरपतवार गंदी चीज आपके दिमाग में डाल रहे हैं। भूत है, वहाँ नहीं जाना, आपको भूत काट लेगा, रात नहीं जाना, ये हो जाएगा, सही बात नहीं बताते। अरे सही बात बताइए, सही बात जानते हो क्या है? सही बात ये है कि आप ये बता दो कि तुम छोटे बच्चे हो, अगर कहीं उधर उधर निकल गए, कहीं कोई आदमी मिला जो अनजान आदमी है, हो सकता आपको उठा ले जाए। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। तो अब मेरी बात ध्यान सुनिए, पहले मेरी बातों को ध्यान समझते जाओ। हमारा ये कहना है कि अब जो है इस चीज़ को समझिए, जो छोटी छोटी गलत चीज़ें आपके दिमाग में डाली जाती हैं उनसे अपने आप को बचाओ पहले। वो बचाने का काम मैं कर रहा हूँ, मेरे पास आ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने तुमको जो है पढ़ना सिखा दिया, तुम लोग मैंने निपुण बना दिया, काफ़ी लोग निपुण बन चुके हैं, केवल मेरी भूमिका नहीं, आपको 2 साल राजकुमार सर पढ़ाए हैं, उसके बाद अब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो लेकिन पढ़ाने का मतलब यही है कि तुमको उन गलत चीज़ों से भी दूर किया जाए, वो सारी चीज़ें बताई जाए जो सही हैं, जो आपके लिए हितकारी हैं, केवल वही बातें बताई जाएँ, गलत चीज़ों को आपसे हटाना है। अब मान लीजिए आप रात में कहीं चले गए थोड़ी देर के लिए इधर से उधर, घर वालों ने पूछा कहाँ गए थे, तो आपने बताया उधर गए थे, अंधेरे में गए थे। अगर कोई, अब यहाँ बता उनको क्या बोलना चाहिए कि अगर कोई अनजान आदमी मिल जाता, तुमको बोरे में भर के लेके कहीं चला जाता, तो हम तो बेचारे हो जाते, हम ढूंढते हमारा बेटा कहाँ गया, बेटी हमारी कहाँ गई। ये बात बोलनी चाहिए, रात के अंधेरे में कोई आपके साथ आदमी ही गलत काम कर सकता है, मेरी बात समझिएगा। रात के अंधेरे में आपके साथ कोई गलत काम कौन कर सकता है? आदमी ही कर सकता है, भूत प्रेत नहीं कर सकता है, होता ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, तुमको डराने के लिए आपके माता पिता चाचा चाची जो भी हैं वो सहारा लेते हैं भूत का। किसका सहारा लेते हैं? ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातें हैं बिना मतलब की, उनसे आपको दूर रहना है। वो आपका वहम हो सकता है, ऐसा जो होता है ये वहम हो जाता है कभी कभी, मतलब ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई है और निकल गया अचानक। मेरी बात समझिए, कभी कभी ऐसा होता है जब आपके माता पिता आपको ऐसी बातें बताते हैं, भूत प्रेतों कहानियां सुनाते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, आप कहीं अचानक बैठे हो, कोई हल्की सी आवाज आई, आपको लगा शायद कोई यहाँ से बगल से निकल गया, मेरी बात समझिएगा।
और आप सोचते हो शायद ये भूत होगा जो निकला हमारे बगल से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ घूम रही है। कहीं कहीं कोई चीज़ें होती है ऐसी इतनी ज़्यादा घूम जाती है दिमाग में कि आदमी को ना होते हुए भी आदमी दिखने लगता है कि आदमी है सामने, है भी नहीं तब भी उसको महसूस होता है सामने खड़ा है कोई। ये सब बीमारियाँ हैं, बहुत गंभीर बीमारी है। जब किसी को और जब जब किसी को जो किसी को भूत प्रेत लगते हैं ना वो भी एक बीमारी है। अभी देखिए अभी अभी अपने जो सर हैं संजय सर, इनकी जो भतीजी है उसको दिक्कत हुई है। उसको पेट में क्या थी, स्टोन थी, बहुत बड़ी सी स्टोन थी, पथरी पत्थर था उसके। और इस वजह से जब वो जब पत्थर जो है जब रास्ता जाम करता था तो उसके दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल आना चालू हो जाते थे। उसकी हरकतें बिल्कुल ऐसी होती जैसे लगता कोई इसको इसका कोई लाग भीग है, कोई भूत प्रेत इसके चढ़ गया है, बताना चालू उल्टा सीधा, बोलना चालू। ये क्या होता है? क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द होता था उसको, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या बोलना बकना चालू। तो तुम सबको इन सब चीज़ों को जानना समझना है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। होता है तो क्या होता है? आदमी ही हो सकता है या फिर तुम्हारा वहम हो सकता है। वहम कैसे पैदा हुआ? जो तुमको डेली सिखाया पढ़ाया जाता है उसी आधार पर तुम सोचने लगते हो, जो सोचने लगते हो वो आपके सामने वो चीजें होने लगती हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो जाएगा YouTube पे, बनाया हमने, आप लोग देख सकते हो।